हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाक्या। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स की औलाद ना होती थी। बड़ी उम्र में जाकर लड़की पैदा हुई। सुरूर में ये कसम खा बैठा कि मैं उसके जहेज में दोनों जहाँ की दौलत दूंगा। कहने को तो कह दिया, मगर जब वक्त करीब आया तो नहायत फिक्र पैदा हुई कि मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, दोनों जहाँ की दौलत किस तरह अपनी लड़की को दे सकता। इसी परेशानी में एक आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ कि मैं क्या करूं और किस तरह अपनी कसम से बरी हो सकता हूं। लेकिन कहीं से जवाब ना मिला। जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने सुनकर फरमाया कि तेरी कसम की नहायत सहल इलाज है, ऐ शख्स तू अपनी दुख्तर को कुरान मजीद की तालीम दे, फिर रुख्सत के वक्त कुरान मजीद इसके बगल में देकर विदा कर दे। कसम है अल्लाह की, तूने दोनों जहाँ की दौलत अपनी बेटी को जहेज में दी और तू कसम से बरी हो। ये वो कलाम है जिसकी बरकत और अजमत और रहमत से खुश्क पत्थरों से आब शीरी जारी हो जाता है।